तो भैया जी हम जो है निकल चुके हैं घर से, ठीक है। और अब जो है मैं जा रहा हूँ, मास वेट कर रहा है मेरा और उसके साथ निकलना है, तो लेट्स गो। और कुछ ऐसा लग रहा हूँ, ऊपर ये फर वाली जैकेट, नीचे ये स्वेटर, जीन्स और ये हमारे प्यारे जूते जो मैं लाया था 350 रुपए के, याद है ना वो वाली वीडियो। तो ये आ गया मास। सो गाइस मैं जो है आपको बताना भूल गया था किसके साथ जा रहा हूँ। तो मैं जो जा रहा हूँ मास के साथ जा रहा हूँ। मास से हट माई कैमरा, हाय ब्रो। और अकेले जाने से अच्छा मैंने कहा किसी को साथ ले लेते हैं। तो मास से पूछा, मास ने कहा हाँ मैं तो फ्री हूँ, कॉलेज सबके बंद ही हैं, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास ही चल रहे हैं, तो फ्री हैं सबके, सभी फ्री हैं यार। तो इसने कहा हाँ भाई मैं चलता हूँ। तो अब जा रहे हैं हम लोग नेहरू प्लेस, और हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं मेट्रो से। तो मेट्रो के नीचे ही खड़ा हूँ, चलते हैं और आपको सफ़र का टूर दिखाते हैं। बताओ, हम लोग जैसे ही ऊपर आए वैसे ही सामने से एक मेट्रो चली गई, 2 से 3 सेकंड से लेट हो गए। बाकी गाइस एक बात बताओ, वीडियो में क्लैरिटी आ रही है ना? आ रही है ना? आएगी क्यों नहीं, आईफोन 13 जो लिया है अभी। बॉय भैया, हो गया सीन हमारे साथ, कट गया हमारा सीन। कुछ ऐसा हुआ कि हमें चेंज करना था, इंटरचेंज करना था, कहाँ पे? कालका जी पे हमें करना था इंटरचेंज, और हमने नहीं करा, ठीक है। दादा हम होशियार बन गए, नेहरू प्लेस की जगह मैंने पढ़ लिया नेहरू इनक्लेव, और एक स्टेशन आगे बढ़ गए, और अब जो है वापस जा रहे हैं कालका जी की तरफ। उसके बाद इतना लंबा चलो, उसके बाद हम वहाँ पहुँचे। तो अब जो है भैया जी सज़ा का भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा, और वो हो रहा है वेट करके दोबारा। अब 1 से 2 मिनट दोबारा वेट करो, दूसरी मेट्रो होगा वो आएगी, फिर हम लोग जाएंगे कालका जी, कालका जी फिर दोबारा अब चेंज होंगे। अब आ गई मेट्रो, अब चलो वापस वहाँ। भाई लेडीज सेक्शन है कहाँ? आज वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत अलग अलग सीन हो रहा है। जी देख सकते हो स्कूल्स खुल चुके हैं, और एक बच्चा दिख चुका है, स्कूल की छुट्टी हुई होगी, और बाकी कॉलेज सालों खोल दो, थक गए हम लोग घर पे बैठ बैठ के। तो हम जो है पहुंच चुके हैं नेहरू प्लेस फाइनली। तो गाइस मैं जो है पहुंच चुका हूँ नेहरू प्लेस, और सबसे पहले जो है मैं जाऊंगा अभी रिंग लाइट लेने, फिर बाकी सारे जो जो सामान लेना है वो लूंगा, स्टैंड लेना है फोन का स्टैंड, और माउंट हो गया, एयरफोन्स कनेक्टर जो होते हैं आईफोन्स के वो लेने हैं। पर सबसे पहले जो है सबसे मेन काम जिसके लिए मैं आया हूँ, रिंग लाइट वो लूँगा, उसके बाद बाकी सारे छोटे मोटे सामान लूँगा। अट्ठारह इंच वाली ये 3000 की दे रहे हैं भैया, नीचे वाली कितने की है? 25। तो वहाँ तो रेट का पता करा, बाकी अभी 3-4 दुकानों में और रेट का पता करने जा रहे हैं। वहाँ सिम्पेक्स की दे रहे थे 3600 आई थिंक, और 18 इंच की थी। मुझे तो महंगा लगा क्योंकि फरदीन भी लेके आया था, और इतनी महंगी नहीं थी उसकी रिंग लाइट, जबकि मैं भी साथ था, 2500 की थी आई थिंक, और विथ स्टैंड। तो वही अभी एक दो जगह और पता करने जा रहे हैं, मिलती है तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या सीन बनता है। एक और दुकान दिख रही है अंदर, यहाँ जाके पता करते हैं। तो ये एक रिंग लाइट पसंद आई है, अभी अंकल जला के दिखा रहे हैं। तो गाइस मैंने रिंग लाइट तो ले लिए, ठीक है, और इस कंपनी के लिए, बाकी अभी अंकल पैक कर रहे हैं, और इसका ये स्टैंड है, बाकी अच्छे रेट में अंकल ने लगा दिया मुझे। और किसी को भी आना हो तो ये खाली गिफ्ट सेंटर है, इसमें आप लोग आ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट चाहिए, बाकी अंकल रेट लगा दिएगा अगर कोई भी आए तो लेने। चलिए बेशक। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये है रिंग लाइट, और अभी पैक हो रही है,
अब चलते हैं। तो गाइस पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिंग लाइट ले लिए और उसका स्टैंड भी आ गया, देख सकते हो इस कंपनी की है, ये है तो KOLM कंपनी की है। और बाकी रेट वगैरह मैं घर जाके बताऊंगा, अभी तीन चार चीज और लेनी है तो वो लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर। तो है जैसा कि सबको पता आईफोन के चार्जर का केबल वो बीच से फटता रहता है, तो मैंने उसके जुगाड़ के लिए ये ले लिया है, ये बीच में लगा दूंगा और साइड साइड में, ताकि वो फटे वटे ना और लॉन्ग लास्टिंग चलता रहे। और गाइस बाकी यहाँ का काम तो मेरा हो चुका है, ठीक है, जो जो लेना था वो ले चुका हूँ मैं। ये रिंग लाइट का स्टैंड हो गया, रिंग लाइट ये रही, और मैंने ये ले लिए केबल्स के लिए। कवर्स देखे तो कवर्स इतने एक दो अच्छे लगे, लेकिन इतना महंगा बेच रहे हैं ये लोग, तो वो तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लूंगा। बाकी अब जो है चलते हैं घर। तो अभी जो है ना गाइस, आते हुए इतनी अच्छी लोकेशन मिली थी, हमने वहाँ पे करवाई फोटोशूट, ठीक है, और इतने प्यारे प्यारे फोटोज निकले हैं ना एडिट करने के बाद, क्या तो उधम मचा देंगे। तो अगर आपको उधम वाले पिक्चर्स देखने हैं तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, आईडी नीचे आ रही होगी, NS_Rashid0609। और मास की आईडी बता दे भैया, भाई KHN_Mas, ठीक है, तो जल्दी से जाके कर लो फॉलो। सो गाइस ये सामान यहाँ पे रख दिया अभी साइड में, और ये जो है लोकेशन काफ़ी प्यारी लग रही थी, तो यहाँ पे भी करवा लेते हैं पिक्चर्स क्लिक, और वो भी आपको देखेंगे मेरी आईडी पे। तो दोनों जगह फोटो शूट हो चुके हैं, और बवाल बवाल जिसे कहते हैं ना वो हुआ है। तो अब जो है वापस जा रहे हैं हम लोग घर की ओर मेट्रो से। तो अब जो है ना भैया जी, ये चीज़ याद रखिएगा कि अब जो है बहुत ही तगड़ी तगड़ी यूट्यूब वीडियोज़ भी आने वाली हैं और रील्स भी आने वाली हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ जाके जल्दी से फॉलो कर लो NS_Rashid0609, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलेगा आपको वहाँ पर। हालत बुरी हो गई, एक तो इतना चल रही है कालका जी पे, हद मतलब इतना लंबा चलना पड़ता है ना, क्या ही कहूँ। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं घर जाऊँ इसको यूज़ करूँ, और तेरी प्यारी प्यारी दो वकिया। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहा है। तो गाइस एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो मुझे देख के ही सब के सब बैठे हैं नीचे, वरना कोई भी नहीं बैठता, सब हेजिटेशन के मारे। लेकिन हम नहीं है, हम नहीं घबराते ना यार, हम क्या हैं, अरे हमारी आदत है, हम जैसे हैं वैसे हर जगह, ये नहीं कि कोई अच्छी जगह मिली तो बैठे नहीं है यार, इज्जत होगी थोड़ी। सो डाउन टू अर्थ, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे मेट्रो की, ये किसे है पता मेट्रो कहाँ को चली। मेरी मेट्रो आएगी, मेरी मेट्रो जरूर आएगी, और ये देखो आ गई, मेरे करण अर्जुन आ गए। चलो भाई फाइनली हम जाएंगे अपने घर। मैं जो है पहुंच चुका हूं घर, और आपको दिखाता हूं अब मैं वहां से क्या क्या लाया हूं नेहरू प्लेस से। सबसे पहले तो ये लाया हूं मैं ओम इम्पेक्स की रिंग लाइट स्टैंड, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद लाया हूं मैं KOLN कंपनी का रिंग लाइट, LED रिंग लाइट है, 20 इंच और 96 वॉट है विथ रिमोट, ठीक है, रिमोट से भी ऑन ऑफ हो जाएगी या अप डाउन सब हो जाएगा। उसके बाद लाया हूँ मैं आपका ये केबल प्रोटेक्शन चार्जर के लिए, या बहुत सारे चार्जर्स यहाँ से फट जाते हैं और इसके तो आते ही वैसे महंगे इतने, तो इसलिए मैं साइड में प्रोटेक्शन के लिए ये ले आया, जिससे मेरा प्रोटेक्ट रहेगा। और अब जो है इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या निकलता है। जैसा कि अनबॉक्सिंग करने वाली नाइफ तो है नहीं, तो इसी नाइफ से काम चलाना पड़ेगा घर की, और इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें से क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है। मैंने तो वहाँ देख लिया, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इस ढक्कन को खोलते ही आपका निकल जाएगा ये केस, ठीक है, इसके लिए कवर दिया है रिंग लाइट के लिए, जो मैक्सिमम रिंग लाइट्स में आता है।
अब जो इस डिब्बे को कर देते हैं साइड ज़रा। और हाँ गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, ये वारंटी कार्ड है, ठीक है, ये 6 महीने की वारंटी बताई है भाई ने, तो ये वारंटी कार्ड दी है। और प्राइस आप लोग देख सकते हो 2800 रुपये लिखी हुई है, और आज की डेट आपकी 7 तारीख, ठीक है। और अब आती है बारी असली चीज़ की, मेन चीज़ हमारा रिंग लाइट। तो ये आप लोग देख सकते हो जैसे कि 20 इंच की है हमारी रिंग लाइट, इसे भी कर देते हैं अभी साइड में, और इसमें देखते हैं आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले तो ये है हमारा अडेप्टर, ठीक है, इसको ये कनेक्ट होगा हमारे प्लग में, ये रहा हमारा अडेप्टर। उसके बाद निकल जाती हैं इसमें होल्ड करने वाली 3, अभी ने क्या कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है मोबाइल होल्डर्स हैं ये सारे, ये आप लोग देख सकते हो, ये 3 मोबाइल होल्डर्स आपको मिल जाएंगे इसमें, 1, 2 और ये 3, और ये यही कनेक्ट होंगे आई थिंक। उसके बाद आ जाता है हमारा ये वाला माउंट, ठीक है, ये सारे माउंट्स हैं, 3 मोबाइल होल्डर के माउंट्स दिए हैं और एक ये, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका ये रिमोट, ठीक है, रिमोट में बैटरी उन्होंने डाल के दी है पहले से, ऑन ऑफ का है, लाइट अचानक मतलब स्टार्ट करनी है तो अचानक स्टार्ट कर सकते हो, और अप डाउन लाइट की ब्राइटनेस वगैरह। और ये ऑक्सिलरी जो है, इससे जैसे ब्लिंक करवाना है तो ब्लिंक करवा सकते हो, 3-4 फंक्शन हैं, वो अभी मैं अब खोलूँगा रिंग लाइट तब दिखाऊँगा। उसके बाद ये है सेक्शंस, तो ये सब इसमें रिमोट में आ जाएगा। तो अब इसको भी करते हैं ज़रा साइड और दिखाते हैं आपको हमारा स्टैंड। तो ये रहा हमारा स्टैंड ओम इम्पैक्स का, स्टैंड से मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि स्टैंड काफ़ी मजबूत है, ये जो है इन्होंने दिया है भैया ने, काफ़ी मजबूत स्टैंड दिया है। सो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा स्टैंड, ठीक है, काफ़ी मजबूत स्टैंड है और काफ़ी भारी भी है। मैंने बहुत सारे स्टैंड्स देखे थे लेकिन मुझे सबसे सही यही लगा, तो मैंने यही वाला ले लिया। तो गाइस, अब जो है मैं इसको पूरा सेटअप करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, रिंग लाइट जो है सेटअप कर दिए, ठीक है, बाकी इसे लगाने में थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, समझ नहीं आ रहा था, नया तरीके का था, बाकी लग तो चुका है और कुछ ऐसा लग रहा है। और अब इसे करते हैं ऑन बटन रिमोट से, तो ये आप लोग देख सकते हो ऑन का बटन, तो ये कर दिया ऑन, अभी अपनी फुल ब्राइटनेस पे, तो ये हो गई अब इसकी सबसे लोएस्ट ब्राइटनेस, ठीक है, इससे। और अचानक अगर आपको, चलिए मान लिया, इसे बार बार दबाना नहीं है और एग्जैक्ट फुल पे करना है, तो आप ये सेंटर में जो बटन देख रहे हो इसे प्रेस कर सकते हो, और ये हो चुका है अपने फुल ब्राइटनेस पे आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इस फंक्शन पे, ये जो ऑक्सिलरी दिखा हुआ है इसको दबाते हैं, तो ये दबाया तो ये कलर आ गया, ठीक है, दोबारा दबाया तो ये ब्लिंक करने लग गया जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और एक और बार दबाया तो ये थोड़ा तेज़ ब्लिंक करने लग गया, एक और बार दबाया तो और तेज़, और अब ये अलग अलग कलर चेंज कर रहा है, वाइट और ब्लू और येलो, दोबारा दबाया तो अपने नॉर्मल उस पर आ गया, एक और बार दबाया ब्लिंक और तेज़, ये और तेज़, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑक्सिलरी का काम ये है, ये जो है CT+ CT- जो है ये कलर चेंज कर रही है, और सेक्शन से हो गया हमारा, ये देखो गाइस, ये वाइट कलर है, ठीक है, सेक्शन दबाया, ये हो गया हमारा येलो, उसके बाद एक और बार सेक्शन दबाया, थोड़ा डार्क येलो, फिर हो गया हमारा ब्लू, ठीक है। तो अभी इसे कर देते हैं वाइट पे ही। तो गाइस, ऐसे तो आपको इसके ब्राइटनेस का इतना पता चल नहीं रहा होगा, एक तरीका है जिससे पता चल सकता है, चलिए दिखाता हूँ। ये मैंने इसको कर दिया ऑफ, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया, अब मैं इसे करता हूँ ऑन, तो ये देख सकते हो पूरे रूम में इसने कर दी लाइट ही लाइट। गाइस, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये रिंग लाइट चाहिए तो आप उस दुकान पे जा सकते हो, मैंने वो जो उनका कार्ड है वो मैंने वीडियो में दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं एड्रेस डाल दूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और अगर लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आपको करना ज़रूरी है। तो गाइस, अब कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बाद, ठीक है, कि ये रिंग लाइट मुझे कितने की पड़ी। तो सबसे पहली दुकान में जो मैं गया था तो उसमें मैंने सिम्प्लेक्स की रिंग लाइट पूछी, वो बता रहे थे 3500, ठीक है, तो वहाँ से मैंने जाने दिया, फिर 3-4 दुकान और विजिट करी, तो जाके मैंने एक दुकान में ये फिक्स करा
इसमें इन्होंने इसकी प्राइसिंग बताई थी 3000 अप्रॉक्स, ठीक है, और बहुत भाव तौल लगा लगा के उन्होंने मुझे ये दिया 2300 में, ठीक है, 2400 में, 2400 में मुझे इन्होंने रिंग लाइट दी। और उसके बाद ये स्टैंड जो है उन्होंने कहा था 700 अप्रॉक्स, और 700 कहा था पर दिया उन्होंने 400 में, तो मुझे ये दोनों चीज़ पड़ी 2800 में, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ इन दोनों की बात, ठीक है, ये जो है ये 50 का ये वाला था और 50 का ये, आप लोग देख सकते हो ये वाला, तो ये दोनों मुझे 50-50 के पड़े। तो आज का फटका जो पड़ा है मुझे वो 2900 का पड़ा है। अगर किसी को भी चाहिए रिंग लाइट तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी वीडियो में तो आप देख ही लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। सो इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन जिससे आपको पता चल जाएगा माय नेक्स्ट वीडियो गोज लाइव। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।